हाउ आर यू स्टूडेंट्स, चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर वन, फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम, चैप्टर का नाम है फूड। कहाँ से फूड आता है उसके बारे में पढ़ेंगे आज हम। फूड पढ़ने से पहले बताइए आपने आज क्या खाया है? आपके फ्रेंड ने क्या खाया आज? क्या आप डेली एक ही तरह के खाना खाते हैं? कल भी आपने वही खाना खाया था, आज भी आपने वही खाना खाया है, नहीं ना? तो हम डिफरेंट टाइप के फूड खाते हैं डिफरेंट टाइम पर, है ना? चलिए फिर अब फूड की वैरायटी देखते हैं। पहला टॉपिक है हमारा फूड की वैरायटी, ठीक है बच्चों? फूड की वैरायटी, फूड की वैरायटी का मींस कि जो फूड है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट। हम डेली तो एक फूड नहीं खाते, हम कभी खाते हैं दूसरा खाना, फिर कभी दूसरा, कभी हमने राइस खा लिया, कभी चपाती खा लेते हैं, कभी वेज, कभी नॉन वेज, ये सारी चीज़ें खा लेते हैं। चलिए फिर फूड वैरायटी देखते हैं डिफरेंट वैरायटी कैसे हैं। देखिए इसमें, देखिए डिफरेंट फूड आइटम्स, देखिए रोटी, चपाती। इसमें इंग्रेडिएंट क्या होते हैं? आटा या वाटर। दाल में क्या होते हैं? पर्ल्स, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। चलिए स्टूडेंट, हम अब इसके फूड मटेरियल्स और सोर्स देख लेते हैं। फूड मटेरियल और सोर्स क्या होता है? फूड मटेरियल है जो उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आते हैं जानते हैं। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इन्ग्रेडियंट दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये हमने टेबल 1.2 में देखा था। फ्रूट्स देखे थे, वेजिटेबल्स, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? जो प्लांट्स हैं ऑफकोर्स, वट आर द सोर्स ऑफ राइस और वीट, राइस और वीट का सोर्स क्या है? यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड द रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दीज ग्रेन्स। आपने खेत देखे होंगे गेहूँ के, पैडी के, काफ़ी लगातार कतारों में लगे रहते हैं वो प्लांट्स, जिससे हमें इनके अनाज मिलते हैं वीट के और पैडी के। एंड देन देयर आर फूड लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स, और एनिमल्स से कौन से फूड मिलते हैं? मिल्क, एग्स, मीट, ये सारे जो हैं फूड हैं ये एनिमल्स से मिलते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक मेन चीज़ क्या है कि जो प्लांट्स हैं वो सोर्स हैं फूड आइटम इन्ग्रेडियंट्स के, जैसे ग्रेन्स हो गई, सेरल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एनिमल प्रोवाइडर्स मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग्स। देखिए मीट के जितने प्रोडक्ट हैं, एग या मिल्क है, सब एनिमल्स का सोर्स है इसका, इन सारे फूड्स का। और जबकि वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, सेरल्स, ये जितने भी हैं ये सारे प्लांट्स के सोर्स हैं, प्लांट से, प्लांट इनका सोर्स है इन फूड्स का। काउस, गॉट एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। मिल्क कौन कौन से एनिमल्स देते हैं? कॉमन एग्जाम्पल है, एनिमल्स तो काफ़ी सारे हैं पर कॉमन एग्जाम्पल क्या है? काउ, गॉट, बुफेलोज, ये सब हमें मिल्क देते हैं ऐसे एनिमल्स। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए मिल्क के साथ साथ मिल्क के प्रोडक्ट हैं, जैसे हमारे पास बटर, क्रीम, चीज़ और दही। क्रीम क्या हो गई? चीज़ हो गई, और कर्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिल्क के प्रोडक्ट से बनती है, मिल्क का प्रोडक्ट एक तरह से। और आप ऐसे एनिमल का और नाम बताइए जो मिल्क देता हो, इंटरेस्टिंग है ना? चलिए बताइए।